गुरुवार सुबह करीब 9 बजे ऋषिघाटी स्थित वीर कुमार की समाधि पर ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर तोपदड़ा बालाजी मंदिर पर वीर कुमार जी के स्वर्णार्थ सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 व्यक्ति शामिल हुए। आज वीर कुमार जी की पुण्यतिथि है, जिस प्रकार से उन्होंने शहर को नेतृत्व दिया और जिस प्रकार से उन्होंने नगर परिषद और नगर निगम को ऊंचाई आती और जिस प्रकार से उन्होंने बताया महत्व के नगर निगम में किस प्रकार से जन का सेवा का काम किया जा सकता है, निश्चित रूप से ऐसा नेतृत्व का प्रभाव हमारे बीच में हुआ है। इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, किंतु आज के दिन हम हर वर्ष संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं ताकि शहर को किसी प्रकार से गति दी जा सके। आज स्वर्गीय वीर कुमार जी की पुण्यतिथि है और उनके देवासन को 20 साल आज हो रहे हैं। अजमेर शहर उनके जो किए गए कार्यों को और उनकी जो अमिट छाप है सभी जनप्रतिनिधि के मन में, सभी जनता के मन में, सभी नागरिकों के मन में, जो उनने एक अमिट छाप छोड़ी हुई है आज भी भुलाई नहीं भूलती है। मैं तो उस समय पार्षद था, उनके समय मेरे को तो उनकी बहुत याद आती है और मुझे तो राजनीति में ही वो लाए थे, तो उनका जो कार्यशैली थी और उनका जो कार्य करने का जो एक अलग ही छाप थी, मैं तो अपने जीवन में उसको लेकर के चलता हूँ। आज के दिन हम यहाँ आए हैं उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने। मेरा तो सभी अजमेर वासियों से भी और सभी नागरिकों से, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि उनकी जो जीवन शैली, उनके जो कार्य करने की शैली को अपनाएं और अपने जीवन में उनका एक अमिट छाप छोड़ने की एक आज के दिन एक अपना आह्वान करें और एक शपथ लेकर के आज यहाँ से जाएं। स्वाभिमान ग्रुप के 8 कार्यकर्ता अहमदाबाद से भी आए हैं, गुजरात से। कल शाम को तोपदड़ा सर्कल पे हमने दीपदान किया और आज ऋषिघाट स्थित शमशान गृह में शेर अजमेर हम सबके अजीज मार्गदर्शक वीर कुमार जी को हमने श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया और उनके मार्ग पे चलने का प्रण लिया है। देश की परिस्थिति अभी जिस तरह से है, उस समय में वीर कुमार जी की ये विचारधारा बहुत याद आती है कि जनहित का कोई भी कार्य हो, देश हित का कोई भी कार्य हो, मानव धर्म सबसे पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में है, पहले देश है। वीर कुमार जी से हमने ये चीज़ सीखी है कि सबसे पहले हमारा तिरंगा है, उसके बाद ही देश की और कोई चीज़, सबसे पहले भारत माता है, उसके बाद ही और किसी का हित है। इसलिए आज के दिन मैं सभी अजमेर वासियों से और सभी भाइयों बहनों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि तिरंगे को सबसे ऊपर रखें, जातियों में विभाजित ना हो, धर्मों में विभाजित ना हो, हमारा देश पहले है। अगर हमारा देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे, हमारा देश ही नहीं रहेगा, हमारे देश को विभाजित करने की कोशिश करेंगे तो देश का क्या होगा। आप सब मिलकर देश को मजबूत बनाने के लिए करें, जो भी आपके मतभेद हैं वो दूसरों से रखें, दूसरे देशों से रखें, भारत से नहीं, ये सब हमारे भाई हैं। हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति हमारा खुद का अपना है, भारतवासी है, हर व्यक्ति को अपना भाई समझे, भारतवासी समझे, ये हम सबसे अपील करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने स्वाभिमान ग्रुप अध्यक्ष विनोद चौहान, जगदीश सोलंकी, सुरेंद्र सिंह शेखावत, संतोष मोर्य, सना भाई व रणदीप सिंह के साथ ही स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। सुंदर कांड पाठ की संगीत में प्रस्तुति अरुण शर्मा ने दी। इससे पूर्व स्वाभिमान ग्रुप इंडिया द्वारा नगर परिषद के पूर्व सभापति शेर ए अजमेर स्वर्गीय वीर कुमार की पुण्यतिथि पर अजमेर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वीर कुमार के प्रशंसकों की टीम गुजरात से अजमेर पहुंची। स्वाभिमान ग्रुप इंडिया द्वारा वीर कुमार की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर तोपदड़ा स्थित वीर कुमार सर्किल पर दीपदान कर वीर कुमार को याद किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वीर कुमार के प्रशंसक और स्थानीय नागरिक भी शामिल थे। हमारे सबके मार्गदर्शक, हमारे अजीज नगर परिषद के पूर्व सभापति वीर कुमार जी की आज पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि कल है और आज उनकी पुण्यतिथि की पूर्व संध्या है, तो दीपदान का कार्यक्रम वीर कुमार सर्कल पे हमने आयोजित किया है। स्वाभिमान ग्रुप के जो कार्यकर्ता अहमदाबाद से आए हैं सब, वो भी मेरे साथ हैं, तोपदड़ा के स्थानीय कार्यकर्ता, सब मिलकर हम यहाँ भी दीपदान करेंगे और
से राजमेर वीर कुमार जी को स्मरण करेंगे। कितने लोग शामिल हैं? अहमदाबाद से हम 7 लोग आए, बाकी 20-25 यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, वीर कुमार जी के प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, वो सब शामिल हुए हैं। क्यों बनाई जाती है, क्या विचार थे उनके? क्या वीर कुमार जी के साथ मैं बचपन से रहा, तोपदड़ा में मेरा जन्म हुआ। वीर कुमार जी ने अजमेर के लिए काफ़ी कुछ काम किए और सबसे बड़ा जो उनका विचारधारा थी उनकी, भले वो भाजपा के नेता थे लेकिन हर पार्टी में उनका समर्थक है आज भी। शेरे अजमेर की उपाधि सिर्फ वीर कुमार जी को दी गई है। यहाँ पर जब वो सभापति के रूप में जब काम करते थे तो उन्होंने किसी भी व्यक्ति को धर्म या जाति के चश्मे से नहीं देखा। जिस तरह देश का माहौल अभी आप देख रहे हैं किस तरह से बटा हुआ है, सबका नज़रिया जाति और धर्म पे होता है, लेकिन वीर कुमार जी इंसान को सिर्फ इंसान समझते थे और हर जो भी जनहित का काम करते थे वो मानवता के नाते करते थे कि भाई मानवता का धर्म क्या होना चाहिए, उस धर्म का वो पालन करते थे। इसलिए हम सब उनके प्रशंसक हैं और ये स्वाभिमान ग्रुप जो मैंने NGO बनाया है ये उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर ही बनाया है और हम लोग यही चाहते हैं कि ये देश सबका है, हर धर्म के हर जाति के व्यक्ति का देश पर समान अधिकार है, सब मिलजुल के रहें और हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में मदद करें, सहायता करें, ऐसी मेरी सबसे अपील। कौन सी पुण्यतिथि? 20वीं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।